रणबीर कपूर ने तोड़ा कटरीना से किया हुआ वादा। कटरीना के भरोसे को किया रणबीर ने तार तार। रणबीर के इस कदम से कटरीना का उठ गया उन पर से यकीन। आखिर ऐसा क्या कर दिया रणबीर ने? तो चलिए खोलते हैं आपके सामने पूरा कच्चा चिट्ठा। दरअसल रणबीर कुछ समय पहले तक करते थे काफी स्मोकिंग, और उनकी इस बुरी लत को छुड़ाने के लिए कटरीना ने लिया था रणबीर से एक वादा, और वो ये कि वो छोड़ देंगे स्मोकिंग। अपनी लेडी लव को खुश करने के लिए रणबीर ने दे दिया स्मोकिंग ना करने का वचन। इनफैक्ट रणबीर की इस आदत को छुड़ाने के लिए कैट उन्हें ऑस्ट्रिया के दो ओरिजिनल एफएक्स मेयर हेल्थ सेंटर भी लेकर गई, जो लोगों की बुरी लत छुड़ाने में हेल्प करता है। सूत्रों के मुताबिक रणबीर को स्मोकिंग की आदत से छुटकारा दिलाने के लिए कैट कितनी डेस्परेट थी, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि ये दोनों इस सेंटर में करीब एक हफ्ते तक रहे। यहाँ एक हफ्ते तक रणबीर को लगाए गए कुछ इंजेक्शन ताकि वो निकोटिन से परहेज करने लगे। इस सेशन का असर भी हुआ और करीब दो महीने तक रणबीर ने स्मोकिंग नहीं की। कैट का भी दिल खुश हो गया कि फाइनली रणबीर ने इस बुरी आदत से अपना पीछा छुड़वा लिया है। पर पिछले दिनों कैट की एक खुशी हो गई रफू चक्कर, जब उन्हें पता चला कि रणबीर ने दोबारा कर दी है स्मोकिंग शुरू। खबरों के मुताबिक हाल ही में रणबीर मिले थे अपने गुड फ्रेंड अयान मुखर्जी और कजिन अरमान जैन से, और यहाँ वो स्मोकिंग करते हुए आए नजर। रणबीर की ये आदत कटरीना के लिए बन गई है एक सरदर्द, और अब जबकि रणबीर कैट को दिए हुए वादे से भी मुकर गए हैं, तो कटरीना को समझ में नहीं आ रहा कि वो करे तो क्या करे। वेल, वी होप कैट कि आने वाले दिनों में रणबीर आपकी खातिर से ही स्मोकिंग को कह दे हमेशा के लिए टाटा बाय बाय। फॉर अभिषेक सिंह, जूम, मुंबई।